Hey everyone, Assalamu Alaikum. This is Mahakul. I hope you are all good. So, this is the second part of the video in which I'm going to share with you some remaining tips regarding physics. तो ऐसा था कि फर्स्ट पार्ट ऑफ़ द वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था डेट्स वाई मैंने सोचा कि मैं सेकेंड पार्ट इसका बनाऊँ फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज फर्स्ट पार्ट ऑफ़ द वीडियो में मैंने डिस्कस किया था स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट्स निकालने के कुछ मैथड्स एंड ट्रिक्स तो अगर अभी तक किसी ने वो वीडियो नहीं देखी देन ऊपर आई बटन में मैंने मैंशन कर दिया है वीडियो का लिंक यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन डेट एंड वॉच इट आउट आई डिस्कस हेयर डेसिमल प्रॉब्लम अप्रॉक्स वैल्यू ट्रैक चार्ट ऑफ डिफरेंट एंगल्स एंड सम कॉन्स्टेंट वैल्यूज ओके okay, तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत बड़ा मसला जो फिज़िक्स की कैलकुलेशन करते हुए हमें फेस करना पड़ता है वो होती है डेसिमल प्रॉब्लम अब ये होता है कि लाइक like, हमारे पास एक क्वेश्चन है थ्री पॉइंट टू डिवाइडेड बाई फिफ़्टीन इस टाइप का जब फ्रैक्शन uh, आ जाता है तो इसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अब इसे कैंसिल करना या डायरेक्ट वहाँ जाके डिवाइड करना इस तरीके से तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते तो इसके लिए ना सबसे बेस्ट ट्रिक होती है कि डेसिमल को मूव करवाया जाए अब वो कैसे के देखें ये डेसिमल यहाँ पर डेसिमल uh, को मूव भी क्यों करवाया जाए ताकि ये नंबर जो है ना ये इनमें से डेसिमल को हम रिमूव कर दें डेसिमल को इस तरीके से मूव करवाया जाए कि डेसिमल नंबर से रिमूव हो जाए वो किस तरह होता है देखें जब फ्रैक्शन के ऊपर डेसिमल हो जब फ्रैक्शन के ऊपर डेसिमल हो हमारा डेसिमल uh, वैसे यूजुअली कहाँ पर होता है नंबर uh, के एंड में होता है ठीक है कोई भी नंबर होता है ना कोई भी नंबर ठीक है कोई भी नंबर हो और अगर उसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ होता तो एज यू नो कि उसका डेसिमल उस नंबर के एंड में होता है तो हमें कोशिश करनी होती है कि डेसिमल को किसी तरीके से एंड में ले आए अब अगर मैं इस नंबर का डेसिमल इसके एंड में लेकर आऊँगी तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये पॉइंट यहाँ पर लाऊँ तो अब मुझे उसके लिए क्या करना होगा अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट करती हूँ तो नीचे मुझे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में एक जीरो बढ़ाना होगा देखिए अब ऐसे करने से क्या होगा ऐसे करने से ये मेरे पास बन जाएगा थर्टी टू डिवाइडेड बाय वन फिफ्टी तो अब मेरे पास ये नॉर्मल नंबर आ गए और इन्हें मैं टू के टेबल से इजीली कैंसिल कर सकती हूँ लेकिन जब देखें जब ये थ्री पॉइंट टू ओवर फिफ्टीन था तो इसे कैंसिल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था ये तो मैंने एक बेसिक जनरल बात बताई है और जब मसला तो तब होता है जब हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती लाइक जीरो और फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाता है Um, कुछ भी लिख दो ट्वेंटी वन लिख दो ठीक है तो अब इसे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पॉइंट को मूव करवाएं अब पॉइंट को मैं जितने टाइम्स मूव करवाऊंगी उतने जीरो में नीचे लगा दूंगी ठीक है किस तरीके से वन टू थ्री अगर मैं थ्री टाइम्स यहाँ पर मूव करवाऊंगी तो थ्री जीरोज़ नीचे लगा दूंगी ऐसे वन टू थ्री ये ऐसे बन जाएगा सिक्स डिवाइडेड बाय टू वन ज़ीरो 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 लेकिन ये भी कुछ बड़ी वैल्यू आ गई है अब इसको भी थोड़ा सॉल्व करने के लिए हमें एक और ट्रिक की जरूरत होती है वो होती है कि लार्ज वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन में ब्रेक कर दिया जाए लार्ज वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन में ब्रेक कर देने के बहुत फ़ायदे होते हैं उससे इजीली कैलकुलेशन हो जाती है अब देखें अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में ब्रेक करूंगी तो वो कैसे हो सकता है सिक्स डिवाइडेड बाय टू वन ले लेती हूँ या मैं चलो टू वन ले लेती हूँ और एक्सपोनेंट यहाँ पर मैं कितने थ्री जीरोज़ ले रही हूँ ना तो यहाँ से मैं पॉइंट शिफ्ट कर रही करी यहाँ पॉइंट था वन टू थ्री जब पॉइंट यहाँ आएगा ये ट्वेंटी वन हो जाएगा एक्सपोनेंट थ्री हो जाएगा इसे मैंने ब्रेक कर दिया साइंटिफिक न्योटेशन में आई होप आपको इसे ब्रेक करना आता होगा अगर नहीं आता तो मैं यहाँ पर आपको बता भी देती हूँ कैसे ब्रेक किया ये था टू वन जीरो 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 इसका था पॉइंट लास्ट में अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ थ्री टाइम्स शिफ्ट कराती हूँ तो मेरे पास ये ब्रेक हो जाएगा ट्वेंटी वन एक्सपोनेंट थ्री में ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव में आएगी क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉइंट को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करवाया है और जब भी पॉइंट को लेफ्ट पर शिफ्ट कराते हैं तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट आती है राइट right पर शिफ्ट कराते हैं तो नेगेटिव में आती है ठीक है अब मेरे पास ये इस तरीके से बन गया अब अगर मैं सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेंटी वन करती हूं किसी तरीके से तो उसको तो मैं कर लूंगी मैं अगर मुझे वैसे करना नहीं आ रहा तो मैं ऐसे भी देखें थ्री के टेबल से भी तो हो रहे हैं थ्री टू जार सिक्स थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन ठीक है 3, 6, 3, 21, अब ये ऐसे बन जाएगा टू बाय सेवन और एक्सपोनेंट थ्री ठीक है अब अब मैं टू डिवाइडेड बाय सेवन करूँगी अगर तो सेवन बाहर टू अंदर तो मैं इसे पॉइंट लगाकर सॉल्व कर सकती हूँ इजीली और जो भी मेरा आंसर आएगा फिर मैं उसको एक्सपोनेंट थ्री के तरीके से सॉल्व करूँगी मैं कर भी देती हूँ अगर मैंने पॉइंट लगाया है जीरो बढ़ाया है सेवन वन जार सेवन सेवन टू ज़ार फोटीन ठीक है फोर्टीन इसका आंसर है और सिक्स रिमेनिंग बच रहा है बस ज़ीरो आ गए ना तो अब मैं यहाँ लिख देती हूँ जीरो एक्सपोनेंट अब यहाँ पर थ्री क्या कहाँ पर था इसके डिवाइड में अच्छा ये इस फ्रैक्शन का आंसर है टू बाई सेवन का आंसर है ये टू बाई सेवन का आंसर जीरो पॉइंट टू आ रहा है तकरीबन तो जीरो पॉइंट टू फिर इसके डिवाइड में एक्सपोनेंट थ्री है एंड एज यू नो कि जब हम एक्सपोनेंट थ्री डिवाइड में नीचे पॉजिटिव में थ्री है अगर मैं इसे ऊपर शिफ्ट करूँगी तो ये किस में हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा ज़ीरो पॉइंट टू एक्सपोनेंट माइनस थ्री अब ये ऐसे बन जाएगा देखिए इसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप कितना इजी हो रहा है ज़ीरो पॉइंट टू एक्सपोनेंट माइनस थ्री हो गए और मैं इसको किस तरीके से नॉर्मल नंबर में कैसे लिख सकती हूँ देखें एक्सपोनेंट माइनस थ्री का मतलब है पॉइंट के बाद थ्री जीरो पॉइंट के बाद थ्री जीरो तो मैं कैसे लिखूंगी ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो ज़ीरो टू मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ और मैं इसके आंसर को ऐसे भी कर सकती हूँ टू एक्सपोनेंट माइनस कैसे माइनस फोर ठीक है मैं इसको कैसे अगर मैं इस पॉइंट को एक और बार शिफ़्ट करवा दूं तो ये माइनस थ्री में अगर मैं माइनस वन एड कर दूं तो ये माइनस फोर बन जाएगा यानी कि इसका आंसर ये, ये भी बन सकता है और इसका आंसर ये भी बन सकता है ठीक है ओके okay, तो अब मैं बात करती हूँ उन फ्रैक्शंस की जिसमें पॉइंट या डेसिमल जो होता है वो डिनोमिनेटर में आता है पहले मैं जो बात कर चुकी थी वो थी जब डेसिमल था न्यूमिनेटर में अब मैं बात कर रही हूँ डेसिमल जब आ जाए तो डिनोमिनेटर में तब क्या करते हैं सिंपल जिस तरीके से न्यूमिनेटर में था तो क्या करते थे अगर ऊपर जितने टाइम्स हम डेसीमल को मूव करते थे उतने ज़ीरो लगा देते थे सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी होगा देखें यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है ठीक है तो अगर मैं इसका पॉइंट रिमूव करूंगी तो पॉइंट रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पर इसको थ्री टाइम्स इस तरफ शिफ्ट करवाना होगा वैसे तो uh, sign, uh, जो पॉइंट का जो रूल होता है ना पॉइंट मूव कराने का वो तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेकर जाना होता है लाइक like अगर इस केस में देखें तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है नाइन है लेकिन यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है ही फोर लेकिन मुझे करवाना है इसको रिमूव तो रिमूव करवाने के लिए मैं क्या करूँगी इसे मैं जब अगर यहाँ पर लेकर आऊँगी इस तरफ तो कितने टाइम्स शिफ्ट कराऊँगी थ्री टाइम्स जब ये थ्री टाइम्स वन टू थ्री थ्री टाइम्स शिफ्ट होगा तो थ्री टाइम्स ऊपर ज़ीरो भर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आप फोर थाउजेंड और नीचे आ जाएगा फोर वन एट फोर अब ये सिंपल टू के टेबल से कैंसिल हो सकता है कैंसिल आप खुद कर लीजिएगा मुझे पॉइंट को समझाना था कि किस तरीके से रिमूव किया जाता है अब यहाँ पर देखें कि 36 सिक्स ओवर जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन आप इसको थ्री टाइम्स जब मूव करवाएंगे तो इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं कि 36 सिक्स ओवर जब ये थ्री टाइम्स मूव होगा वन टू थ्री थ्री टाइम्स मूव होगा तो क्या होगा यहाँ पर हम थ्री ज़ीरो इंक्रीज़ कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पर नीचे फिर क्या बच जाएगा नाइन सिंपल नाइन क्योंकि मैंने पॉइंट यहाँ पर लगा दिया लेकिन इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसे मैं थर्टी सिक्स रहने दूँ और नीचे मैंने पॉइंट कितनी बार शिफ़्ट किया साइंटिफिक नोटेशन में इसको आप कन्वर्ट करिए वो कैसे करूँगी नाइन एज इट इज़ रहा थ्री टाइम्स इसको शिफ्ट किया है जब हम पॉइंट को राइट साइड right पर शिफ्ट करते हैं तो कौन सा पावर आती है आ, नेगेटिव में आती है नेगेटिव में एक्सपोनेंट लिखते हैं और जब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव में लिखते हैं तो नाइन एक्सपोनेंट अब ये मैं इसको राइट साइड राइट साइड पे कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइन एक्सपोनेंट माइनस थ्री ठीक है अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ नाइन वन जार नाइन नाइन फोर ज़ार थर्टी सिक्स ठीक है इसका आंसर इस तरीके से बन रहा है यहाँ करती हूँ इसको ऊपर वाले को यहाँ करूँगी फोर डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट माइनस थ्री एंड एक्सपोनेंट माइनस थ्री जब डिनोमिनेटर में तो मैं इसे ऊपर लेके जाऊँगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव थ्री तो फोर एक्सपोनेंट थ्री हो जाएगा और एक्सपोनेंट वन थ्री का मतलब है थ्री जीरोज़ तो ये इसका आंसर होगा लाइक इधर अब देखें तो नाइन वन जार नाइन नाइन फोर जार थर्टी सिक्स जीरो 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 तो इसका आंसर भी फोर थाउजेंड ही आ रहा है इस तरीके से करें या इस तरीके से बात एक ही है आई थिंक आपको पॉइंट को शिफ्ट करना आ गया होगा ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो पॉइंट टू का स्क्वायर ओवर ट्वेंटी अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि इसको एक टाइम यहाँ मूव करवाएंगे तो वन टाइम यहाँ ज़ीरो इंक्रीज़ कर देंगे ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने ध्यान से देखना है देखिए यहाँ पर क्या है स्क्वायर है अगर मैं इसको ट्रिकी अगर मैं ट्रिक वाइज़ यूज़ करूँगी तो मैं इसे कैसे करूँगी स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर अगर मैं इसे वन टाइम शिफ्ट करूँगी तो एक वन वन टाइम ख़ुद ही शिफ्ट हो जाएगा स्क्वायर मतलब डबल ठीक है तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा अगर मैं इसको वन टाइम यहाँ शिफ्ट कर करूँ तो इसका मतलब वन टाइम नहीं टू टाइम्स करूँ क्योंकि इसका स्क्वायर है तो सिंपल यहाँ पे टू जीरो इंक्रीज हो जाएंगे और यहाँ पर ये two है तो का भी तो स्क्वायर है ना तो ये ऐसे बन जाएगा ये बन जाएगा फोर ओवर टू टू थाउजेंड ठीक है ये अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आया मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ देखे यहां पर है स्क्वायर और स्क्वायर का मतलब है डबल जब मैं पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर रही करूं इसका मतलब ये एक बार नहीं दो बार शिफ्ट हुआ है इसीलिए मैंने यहाँ पर दो जीरो इंक्रीज किए हैं तो टू का जब स्क्वायर लेंगे तो फोर होगा और यहाँ पर टू जीरो वैसे ही ऑलरेडी इंक्रीज़ कर दिए हैं अगर मैं इसको यहाँ से आंसर निकालूँ तो यहाँ से भी निकाल सकती हूँ लेकिन आप इसको एक और मैथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि मैं अभी यहाँ से दिखाती हूँ कि क्वेश्चन कैसा था ऐसा था इसको एक और मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप सिंपल अंदर इसको ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो कैसे ये जीरो पॉइंट टू है ज़ीरो पॉइंट टू का मतलब है टू एक्सपोनेंट माइनस वन माइनस वन कैसे मैंने इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे शिफ्ट कर दिया है ठीक है फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि इसके ऊपर था स्क्वायर मैंने स्क्वायर लगा दिया डिवाइडेड बाई ट्वेंटी इज ठीक है ये एक मैथड इस तरीके से करके बताया है और एक ऐसे बता रही हूँ इसी का तो अब ये ट्वेंटी वैसे ही रहा अच्छा अब ये टू स्क्वेयर है तो मतलब फोर ठीक है फोर और एक्सपोनेंट माइनस वन है तो ये हो जाएगी एक्सपोनेंट माइनस टू ठीक है और डिवाइडेड बाय ट्वेंटी अब क्या करेंगे देखें एक्सपोनेंट जो होती है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है अब क्या करेंगे ये इसे मैं कैंसिल कर देती हूँ तो फोर वन जीरो फोर फोर फाइव जीरो ट्वेंटी वन बाई फाइव का मतलब क्या होता है जीरो पॉइंट टू आपको कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू याद रखनी होगी मैं यहाँ पर उन फ्रैक्शंस की वैल्यू लिख देती हूँ अप्रोक्स इतने फ्रैक्शन की वैल्यू आपको ऐसे फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए कौन कौन से हैं वो फ्रैक्शन एक है वन बाई फ़ाइव वन बाई फाइव का मतलब है ज़ीरो पॉइंट टू ठीक है इसके अलावा कुछ और फ्रैक्शन भी हैं मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वो सब आप अपने पास नोट कर लेना वन बाई फाइव है ज़ीरो पॉइंट टू इसके अलावा है आप ये देख लें वन बाई थ्री टू बाई थ्री ठीक है इनकी वैल्यूज़ भी आनी चाहिए इसकी होती है ज़ीरो पॉइंट थ्री थ्री ज़ीरो पॉइंट सिक्स सिक्स इसके अलावा आपको वन बाई टू की आनी चाहिए तो सबको ही पता होती है ज़ीरो पॉइंट फाइव इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए वन बाई ज़ीरो वन किसके इक्वल होता है इन्फाइनिटी के ठीक है वन बाई जीरो की वैल्यू भी आपको आनी चाहिए और बस फ़िलहाल इतने ही फ्रैक्शन हैं इनकी वैल्यू आपको फिंगर टिप्स पर आनी चाहिए और ज़ीरो बाई वन तो ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगा ये तो आपको पता ही है ना कि जो भी चीज़ अगर कोई कोई भी फ्रैक्शन या कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए ज़ीरो से डिवाइड हो जाए तो वो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है लेकिन अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है ना तो वो उस चीज़ को इनफाइनाइट कर देता है अच्छा आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा तो अब ये वन बाई फाइव किसके बराबर है ज़ीरो पॉइंट टू के ठीक है और मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट में क्या था माइनस टू अब इसका मतलब है कि अगर मैं इस पॉइंट को एक और बार शिफ्ट करवा दूं यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ लगा दूं तो ये बन जाएगा टू एक्सपोनेंट माइनस थ्री क्योंकि जब मैं यहाँ शिफ्ट करूँगी तो जब भी पॉइंट को हम राइट uh, साइड right पर शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव में आती है अब ये जो एक्सपोनेंट है वो माइनस बन जाएगी माइनस टू माइनस वन इक्वल्स टू माइनस थ्री ठीक है और इस आंसर को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ इस तरीके से टू एक्सपोनेंट माइनस थ्री का मतलब है ज़ीरो uh, पॉइंट पॉइंट के बाद मैं टू जीरो और एक टू लिख दूँ इसका मतलब देखो मैंने इसको किस तरीके से लिखा कि टू पहले ऐसे था ठीक है मैं आ करके बताती हूँ टू पहले क्या था सिंपल टू था और एक्सपोनेंट माइनस थ्री एक्सपोरेंट माइनस थ्री का मतलब है इस टू से पहले दो जीरो और पॉइंट आ जाए इसकी तो आपको प्रैक्टिस होगी तो आप इस तरीके की वैल्यू निकाल सकते हैं वरना सिंपल आप आंसर इस तरीके से भी दे सकते हैं लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है ठीक है अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा देखेंगे ऐसे फोर वन जार फोर फोर फाइव जीरो ट्वेंटी जीरो जीरो ठीक है वन बाई फाइव जीरो जीरो आया है आंसर वन बाय फाइव का मतलब वही हो गया अब मैं इसको थोड़ा ब्रेक कर देती हूँ देखिए कैलकुलेशन जितनी ईजी कर सकेंगे ना उतनी ईजी करके सॉल्व करें वन बाई फाइव मैंने ब्रेक कर दिया दो जीरो थे मैंने उसको एक्सपोनेंट टू लिख दिया ठीक है वन बाई फाइव का मतलब क्या होता है जीरो पॉइंट टू और एक्सपोनेंट टू यहाँ पे पॉजिटिव था ऊपर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव टू अगेन ये ऐसी ऐसी वैल्यू बन रही इस टाइप की तो मैं इसको टू एक्सपोनेंट माइनस थ्री कर देती हूँ देखें पॉइंट को मैंने शिफ्ट किया तो टू एक्सपोनेंट माइनस थ्री बन गया और इसका आंसर मैं जीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो टू करके भी दे सकती हूँ ये वाले इम्पोर्टेंट है इसको आपने नोट कर लेना है ओके आई थिंक आपको अब तो सारे डेसिमल की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई होगी और इस और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं आते अगर आते भी हैं तो आप इन इनकी जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप उनको भी ओवरकम कर लेंगे ईजिली इनशाला ओके okay, तो ये वाली जो ट्रिक है ना ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एंड टाइम पे क्या है uh, न, होता है कि क्वेश्चन करते हुए ना हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि फिज़िक्स के जो क्वेश्चन आ जाते कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा लेंदी आ जाता है उसे सॉल्व करने का इतना टाइम नहीं होता तो उस वक्त हमें क्या करना होता है जो बेस्ट मैथड एंड बेस्ट ट्रिक कह लें क्या होती है कि आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लेकर सॉल्व करें जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन आ जाते हैं जिसको सॉल्व करना जैसे फोर के टेबल में थर्टी तो आते नहीं टू के टेबल से भी करने पर भी नहीं आता लेकिन आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं तो उसका के के है, मैथड जो जो क्या होता है कि जो अंडर रूट थर्टी सिक्स होता है वो किसके इक्वल होता है सिक्स के तो मैं इसको कंसिडर कर लेती हूँ जल्दी जल्दी कह रही हूँ ना अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है मैंने आपको ऑलरेडी मैथड बता दिया है पार्ट वन ऑफ वीडियो में के रूट चाहे वो कोई भी रूट हो उसको कैसे निकाला जाता है लेकिन जब आपके पास शॉर्ट टाइम हो तो आप क्या करेंगे जस्ट कंसीडर कर लेंगे आप अंडर रूट थर्टी सेवन को तकरीबन कंसीडर कर लेंगे कि ये सिक्स के बराबर है ठीक है आप सिक्स के बराबर कर करके भी इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर एक्यूरेट तकरीबन आ जाएगा नाइन्टी फाइव परसेंट आंसर आपका तकरीबन एक्यूरेट आ जाएगा ठीक है अगर आप इसको सिक्स लेकर भी कंसीडर करते हैं क्योंकि आपको पता है इसका आंसर यकीन ऐसे ही होगा ना सिक्स पॉइंट समथिंग करके इसका आंसर होगा अंडर रूट थर्टी का आंसर क्या होगा सिक्स पॉइंट समथिंग करके होगा और वैसे थर्टी सिक्स अंडर थर्टी सिक्स का आंसर सिक्स होता है लेकिन 37 का आंसर क्या होगा समथिंग करके तो आप इसको कंसिडर कर लेंगे कि किसके इक्वल है के फिर आप जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर नाइन्सेंट एक्यूरेट आएगा इसी तरीके से थर्टी थ्री ओवर फोर तो इसमें आपने क्या करना देखें फोर के टेबल में अगर देखा जाए तो थर्टी थ्री नहीं आता लेकिन इससे करीब क्या आता है थर्टी टू आता है कितने टाइम्स आते हैं थर्टी टू ठीक है 4, uh, 4, 32, तो क्या करेंगे अब अगर मैं इसको कैंसिल करती हूँ फोर वन जो फोर फोर एट ज़रा थर्टी तो मैं इसको तकरीबन एट के बराबर ले सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर एट पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर क्या हो सकता है एट पॉइंट समथिंग लेकिन मैं इसको तकरीबन एट के बराबर लेकर अगर मैं अपना गिवन क्वेश्चन जो भी होगा उसे सॉल्व करूंगी तो मै मेरा जो आंसर होगा वो अच्छे से अच्छा आ सकता है अब ये जो है पाए पाए, पाए तो पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है सबको आती है थ्री पॉइंट वन फोर टू और इसको अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो वो क्या होता है ट्वेंटी टू बाई सेवन ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो सेवन वन

फोर सेवन टू टू फोर सेवन लिख दे अब आप इसको जल्दी से थ्री से मल्टीप्लाई कर जो भी आंसर उसे लिख दें तो ये होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ट्रिक और इसके थ्रू आप बहुत से क्वेश्चन ईजीली सॉल्व कर सकते हैं ओके okay, तो मैं अब यहां आपके साथ बनाने जा रही हूं चार्ट ऑफ डिफरेंट एंगल्स तो एंगल्स का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है स्पेशली प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर में और वेव्स वाले चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह में जो एंगल्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अलावा और भी चैप्टर्स होते हैं जैसे कि वर्क पावर एनर्जी वाले में और समझ लें आपके एम डी गेट में अगर आपको एंगल्स की वैल्यू नहीं आती हैं तो आपको कुछ नहीं आता मतलब एंगल्स की वैल्यू आपको लाजमी आनी चाहिए एंगल की वैल्यू बहुत मैटर करती है एंड में जाकर आप इसी में फंस जाते हैं तो कुछ एंगल्स की वैल्यू को याद करने का सिंपल तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसे आप अच्छे से अभी यहाँ पर समझ लें और बार बार उसकी प्रैक्टिस करना इन आपको ये अच्छे से आ जाएगा तो सबसे पहले आप इस तरीके से यहाँ पर फोर कॉलम्स ड्रॉ कर लें ठीक है फ़ोर कॉलम्स ड्रॉ कर लें और फिर यहाँ पर एक कॉलम हेडिंग के लिए और फिर सिक्स कॉलम्स और ड्रॉ कर लें ठीक है सिक्स कॉलम्स और ड्रॉ कर लें अब सबसे पहले कॉलम में आप बना दें एंगल ठीक है उसके बाद यहाँ सीक्वेंस लिखिएगा साइन कॉस टेन ये लिखने के बाद अब यहाँ पर आप एंगल्स बता देंगे कौन कौन से एंगल एक लगा दें जीरो डिग्री और या थ्री सिक्सटी डिग्री इन दोनों का मैं समझा देती हूँ कि क्या होता है दोनों का सेम ही होता है जीरो डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री फिर आ जाए थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री Sixty degree, ninety degree, and one eighty degree. See? यह आपने एंगल्स मेंशन कर दिए अब साथ ही साथ एंगल मैंशन्स करने के साथ साथ इनकी पाई की वैल्यू भी लिख दें क्योंकि आपने प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट्री चैप्टर में देखा होगा कि एंग जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है वो हमें एंगल्स के साथ साथ रेडियन में भी दी हुई होती है और पाए में हम अगर इसकी वैल्यू देखें तो पाए में किसके बराबर होती है थ्री की जो होती है वो टू पाई की इक्वल होती है ठीक है थर्टी की जो होती है वो पाए बाय सिक्स के इक्वल होती है थर्टी डिग्री किसके बराबर होता है फाइव बाय सिक्स के थ्री सिक्सटी बराबर होता है टू पाई के ये भी आपको साथ ही साथ आना चाहिए फोर्टी फाइव होता है पाई बाय फोर के सिक्सटी होता है पाई बाय थ्री के नाइन्टी होता है पाई बाय टू के और वन एटी होता है पाई के और सिर्फ ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट्री में ही आपके काम नहीं आएगा बल्कि ये साथ साथ आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में भी काम आएगा जहाँ पर आप वेव्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ेंगे ठीक है वहाँ पर जब आप वेव्स इस तरीके से बनाएंगे ना इस तरीके से वेव्स बनाएंगे यूं यूं तो यहाँ पर लिखेंगे मतलब मैंशन करेंगे पाए टू पाए थ्री पाए फोर पाए फिर इसके अलावा ये जब आपने बना दिया ठीक है ये जब आपने बना दिया अब आपने क्या करना है अब आपने क्या करना है आपने कुछ वैल्यूज़ को याद करना है और उन वैल्यूज़ के थ्रू आपने दूसरी वैल्यूज़ निकालनी है सिंपल पहले तो यहाँ पर आ जाते हैं साइन जीरो किसके बराबर होते हैं जिन्होंने स्केलर वैक्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा उनको अच्छे से पता होगा कि साइन जीरो ज़ीरो के बराबर होता है कॉस जीरो वन के इक्वल होता है और टेन ज़ीरो भी जीरो के बराबर होता है ठीक है अब यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर दीज थ्री वैल्यूज अब वो मैं वैल्यूज़ में मैंशन करी हूँ कौन सी आपने देखना है कि साइन थर्टी अच्छा ये अभी तो मैं आपको सिखा रही हूँ ना लेकिन आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे ना कि आपको सिर्फ सिंपल कोई बोलेगा साइन थर्टी किसके बराबर होता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसके बराबर होता है लेकिन उससे पहले आपको चार्ट की प्रैक्टिस होगी तभी वो आपको याद होंगी ना तो अब सबसे पहले आपको थ्री वैल्यूज याद करनी है ओनली थ्री ओनली थ्री वो थ्री कौन सी है उन्हें सीक्वेंस से इस तरह याद करिएगा थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी के एंगल पे सीक्वेंस से याद करें कैसे वन ओवर टू वन ओवर अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री ओवर टू बस ये तीन वैल्यूज आपको सीक्वेंस से याद होनी चाहिए साइन के कॉलम में थर्टी फोर्टी फाइव और सिक्सटी की ये सीक्वेंस से वैल्यू आपको याद होनी चाहिए वन ओवर टू वन ओवर अंडर ठीक है जब आपको ये थ्री वैल्यूज आती होंगी अब आप इनको देखते हुए यहाँ पर इसको रिवर्स करके लिखते हैं जस्ट इसे रिवर्स कर दें अंडर पहले लिख दें वन ओवर अंडर ओ टू वैसी ही आएगी और वन ओवर टू नीचे आ जाएगी सही है फिर जब आपने ये लिख दी ना आपने ये तीन वैल्यू को यहाँ पे रिवर्स कर दिया अब इन दोनों वैल्यूज़ की जो पहली पहली न्यूमिनेटर की वैल्यू है उन्हें आपस में डिवाइड करके इस कॉलम में लिख दें जैसे कि वन और अंडर रूट थ्री है दोनों की न्यूमिनेटर की फर्स्ट वैल्यू ना तो आप वन ओवर अंडर रूट थ्री करके आप इसे लिख दें इन्हें आपस में डिवाइड करके लिखते हैं वन ओवर अंडर रूट थ्री ये दोनों वन ओवर वन तो वन और ओवर वन डिनोमिनेटर में वन शो नहीं होता तो सिंपल वन अंडर रूट थ्री ओवर वन अंडर रूट थ्री और ओवर वन यानी वन डिनोमिनेटर में शो नहीं होता तो जस्ट ओनली अंडर रूट थ्री इतनी वैल्यूज आपको आ गई है डैट्स गुड अब इसके अलावा इनको पॉइंट में भी आपको आना चाहिए कि इनकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है वन बाई टू किसके बराबर होता है जीरो पॉइंट फाइव के वन ओवर अंडर रूट टू और यहाँ पे भी वन ओवर अंडर रूट टू इन दोनों की चाहे वो साइन फोर्टी फाइव हो कोर्स फोर्टी फाइव हो दोनों की वैल्यू सेम होती है और आपको इसकी फ्रैक्शन वाली वैल्यू सॉरी डेसिमल वाली वैल्यू भी याद होनी चाहिए जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन इसकी भी होगी जीरो पॉइंट सेवन ज़ीरो सेवन ठीक है अब अंडर रूट थ्री बाई टू की वैल्यू होती है जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स देखें अभी आपको लग रहा होगा कि इतना मुश्किल है जिन्होंने नहीं पढ़ा है जिनको नहीं पता लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ही आप इस पर अच्छी ग्रिप हासिल कर सकेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आपका ये क्लियर होगा तो अंडर रूट थ्री बाई टू इक्वल होता है ज़ीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स के यहाँ पर भी अंडर रूट थ्री बाई टू है ये भी होता है ज़ीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स के और आपको पता है ना साइन और कोस अगर साइन थर्टी जीरो पॉइंट फाइव है तो कोस थर्टी उसका रिवर्स हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स अगर साइन सिक्सटी जीरो पॉइंट एट सिक्स तो कोस सिक्सटी जीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा दोनों एक दूसरे के क्या है रिवर्स है अपोजिट है ठीक है और वन ओवर टू जीरो पॉइंट फाइव सिंपल ठीक है यहाँ पर इनकी वो डेसिमल uh, की वैल्यू फाइंड करने की इतनी ज़्यादा कोई नीड नहीं होती वैल्यूज आती भी नहीं है आपको ज़्यादा फोकस यहाँ होना चाहिए लेकिन ये इसको फ्रैक्शन में ज़रूर याद करें अंडर रूट थ्री की थ्री की वैल्यू तो आपको पता ही होगी ना ज़ीरो वन पॉइंट सेवन थ्री सही अब यहाँ पर साइन 90 क्या होता है वन होता है कोस 90 क्या होता है जीरो होता है टेन 90 की कोई वैल्यू नहीं होती साइन 180 क्या होता है जीरो होता है कोस 180 क्या होता है माइनस वन एंटी पैरेलल हो जाता है स्केलर वेक्टर में आपने पढ़ा होगा एंड टेन 180 क्या होता है जीरो होता है दैट्स ऑल आपको ये चार्ट कंप्लीटली आना चाहिए इसमें आपकी पाई की वैल्यू भी कम्प्लीट हो जाती है कवर हो जाती है और डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू भी कवर हो जाती है और यही मेजर मेन एंगल्स हैं जो कि आपको आने चाहिए और यही एम डी गेट में पूछे भी जाते हैं सो हेयर आर सम कॉन्स्टेंट वैल्यूज इन्हें आप अपने पास नोट no डाउन कर लें ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ये अगर आपको पता नहीं होगी तो आप बहुत से मेरिकल्स में एम सी क्यूज में फंस सकते हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हें बास नोट कर लें और इसके अलावा भी अगर कोई आपको कॉन्स्टेंट वैल्यूज फिजिक्स में पता चलती जाएंगी तो उन्हें आप यहीं पर ही कई साइट पर लिख लिया करें एक पेज तो आप इनके लिए ही लाजमी बना लें ओके okay? सो दीज़ आर सम पैरामीटर्स इनकी वैल्यूज आपको आनी चाहिए मैं पढ़ के भी बता देती हूँ डेका की वैल्यू होती है एक्सपोनेंट वन हैक्टा की वैल्यू होती है एक्सपोनेंट टू किलो की वैल्यू होती है एक्सपोनेंट थ्री मेगा की वैल्यू एक्सपोनेंट सिक्स गीगा एक्सपोनेंट नाइन टेरा एक्सपोनेंट ट्वेल्व इन्हीं के सामने मैंने इनकी अपोज़िट वैल्यूज़ भी लिखी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो डेसी जो होता है वो एक्सपोनेंट वन के लिए यूज़ होता है और अगर और मतलब ऐसे देखा जाए एक्सपोनेंट वन मतलब ज़ीरो पॉइंट वन और डेका को देखा जाए तो डेका का मतलब होता है टेन हेक्टा का मतलब हंड्रेड और सेंटी का मतलब जीरो पॉइंट जीरो वन ठीक है इसको एक्सपोनेंट माइनस टू में भी लिख सकते हैं किलो किलो का मतलब थाउजेंड होता है मिली का मतलब भी थाउजेंड लेकिन किस तरीके से वन ओवर थाउजेंड ठीक है वन ओवर थाउजेंड और वन ओवर थाउजेंड का मतलब ही होता है एक्सपोनेंट माइनस थ्री और इसका मतलब जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन भी होता है इसी तरीके से माइक्रो होता है एक्सपोनेंट माइनस सिक्स नैनो एक्सपोनेंट माइनस सेवन एंड पी को एक्सपन एंड माइनस ट्वेल्व सो हैज़ द वीडियो फॉर टुडे आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी इससे आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा हो हो और अगर कोई भी कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग फिजिक्स कैल्कुलेशन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा जजाक